किशोरी लाल का जीवन परिचय। पंडित किशोरी लाल पंजाब के एक कम्युनिस्ट भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म पंजाब के होशियारपुर जिले के दसुया तहसील के धर्मपुर गांव में 1912 को हुआ था। उन्होंने धर्मपुर में प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाई की और फिर क्वेटा पाकिस्तान चले गए, जहां उनके पिता एक संस्कृत शिक्षक के रूप में तैनात थे। क्वेटा में अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने उच्च अध्ययन के लिए डीएवी कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया। उनके पिता और तीन बड़े भाई सभी भारतीय राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। 1928 की शुरुआत में लाल नौजवान भारत सभा में शामिल हो गए, जिससे समूह के संस्थापक भगत सिंह के सीधे और निकट संपर्क में आ गए। समूह ने युवाओं में क्रांतिकारी विचार पैदा किए और उन्हें भारत की आजादी के संघर्ष के लिए तैयार किया। वह 69 कश्मीरी बिल्डिंग लाहौर में HSRA बम बनाने वाली इकाई में शामिल थे, जहां से उन्हें 15 अप्रैल 1929 को सुखदेव थापर और जय गोपाल के साथ गिरफ्तार किया गया था। जब लाल को विचाराधीन कैदी के रूप में जेल में रखा जा रहा था, तब उन्होंने HSRA सदस्यों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल में भाग लिया। लाहौर षड्यंत्र केस 1929 में मुकदमे के समापन पर न्यायाधीश ने सिंह, शिवराम राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्होंने लाहौर, मुल्तान और मोंटगोमरी की जेलों में अपनी 18 साल की सजा काटी। जेल में रहते हुए वे कई कम्युनिस्ट कैदियों के संपर्क में आए और 1936 में उन्होंने जेल से पार्टी की सदस्यता के लिए आवेदन किया। 1942 में उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में पंजीकृत किया गया था। 1946 में जेल से रिहा होने के बाद उन्हें 1948 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की पंजाब इकाई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। जनवरी 1948 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की पंजाब इकाई के लाल सहित लगभग 1500 सदस्य अलग हो गए और लाल कम्युनिस्ट पार्टी हिंद यूनियन की स्थापना की। इस पार्टी ने पंजाब के PEPSU क्षेत्र में उग्र कृषि संघर्ष चलाया। लगभग 4 वर्षों के बाद जुलाई 1952 में लाल कम्युनिस्ट पार्टी अपनी मूल पार्टी के साथ फिर से एकजुट हो गई। 1952 की शुरुआत में लाल ने गोवा की मुक्ति के लिए आंदोलन में भाग लिया, जो पुर्तगाली नियंत्रण में था। वह कई वर्षों तक पंजाब राज्य स्तर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की समिति के सदस्य थे। अपने बाद के वर्षों में उन्होंने जलंधर में पंजाब बुक सेंटर के प्रभारी के रूप में कार्य किया। पंडित किशोरी लाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे। उन्होंने भगत सिंह तथा हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के साथ मिलकर काम किया था। पंडित किशोरी लाल की 11 जुलाई 1990 को एक सड़क दुर्घटना के बाद जलंधर के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई।